नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने गार्डन में दोस्तों ग्रो करने वाले हैं मैरी गोल्ड के दोस्तों फ्लावर्स के सीड्स दोस्तों, जिसके अंदर आज हम लोग ग्रो करेंगे रेड कलर का जो मैरी गोल्ड होता है उसको, और जो दोस्तों पीले कलर का मैरी गोल्ड होता है उसको, यानी कि येलो दोस्तों गेंदा के फूल और पीले गेंदा के फूल के बीच। दोस्तों जब हमने पहले अपने गार्डन में लगा रखा था पौधा जो कि रेड मैरी गोल्ड का था, तो वो जो हमने परचेस किया था वो नर्सरी से किया था। तो दोस्तों जब वो उसका जब टाइम ख़त्म हुआ तो उसके जो बीज थे दोस्तों वो हमने सेव करके रख लिए थे, यानी कि दोस्तों जब वो सूख रहा था तो जब उसके फ्लावर्स थे दोस्तों वो बिल्कुल सूख चुके थे, तो उसको वही दोस्तों सीड्स बन जाते हैं। तो हमने दोस्तों वो अपने गार्डन में दोस्तों इकट्ठी करके रख ली थी, जिससे कि सेम दोस्तों यही फ्लावर को हम अगली बार ग्रो कर सकें। तो अगर आपके दोस्तों गार्डन में अगर मैरी गोल्ड के फ्लावर लग रखे हैं और वो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर जैसे कि आपको लगता है कि वो दोस्तों सूखते जा रहे हैं या मतलब उनका अब टाइम ख़त्म हो गया, तो उनके जो बीज हैं दोस्तों आप उसको सेव करके रख सकते हैं और उसी बीज की मदद से आप दोस्तों अगली टाइम दोस्तों उसे ग्रो कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो आज हमें अपने गार्डन में ग्रो करने वाले दोस्तों रेड मैरी गोल्ड और येलो मैरी गोल्ड के फ्लावर सीड्स। तो आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं दोस्तों टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलेगा, जिससे कि दोस्तों आपको हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जल्द से जल्द देखने के लिए मिलें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम ग्रो करने वाले हैं रेड मैरी गोल्ड और येलो मैरी गोल्ड, तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको इनके सीड्स दिखा लेता हूँ जो कि हमने पिछले कम से कम एक साल पहले, मतलब कि पिछली बार जब हमने उगाए थे, यानी कि 6 महीने पहले, आप मान लीजिए पूरा एक साल मत मानिए, 6 महीने पहले जब हमने ये ग्रो किए थे तो उसके जो सीड्स थे वो हमने दोस्तों सेव कर लिए थे, यानी कि जो रेड मैरी गोल्ड था उसको तो हमने परचेस किया था नर्सरी से, और जो येलो मैरी गोल्ड था दोस्तों उसको हमने सीड की मदद से पहले ग्रो कर लिया था। तो जो येलो मैरी गोल्ड जब दोस्तों डैमेज हुआ था तो उसके भी हमने सीड सेव कर लिए थे, और जो रेड मैरी गोल्ड था उसके दोस्तों हमने सीड सेव कर लिए थे। तो आइए मैं सबसे पहले तो आपको इन दोनों के सीड्स दिखा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप मिट्टी कैसे तैयार करें इनको ग्रो करने के लिए, और पूरा प्रोसेस बताता हूँ, तो आप वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप अपने सामने देख पा रहे हैं दो डब्बे दोस्तों रख रखे हैं येलो कलर के, इसके अंदर दोस्तों सीड्स हैं। तो मैं आपको आइए सीड्स दिखा लेता हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये आपके सामने जो दोस्तों सीड आप देख पा रहे हैं, ये वाले जो सीड हैं दोस्तों ये हैं रेड मैरी गोल्ड के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेड मैरी गोल्ड के सीड्स हैं। ये देखिए इनके ऊपर दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा सा रेडिश सा कलर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस समय थोड़ा नाइट थोड़ा होने वाला है तो इससे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, पर मैं दोस्तों क्लियर देख पा रहा हूँ कि ये रेड कलर के दोस्तों जो कि मैरी गोल्ड के फ्लावर के सीड्स हैं। और दोस्तों ये दूसरे सीड्स जो रखे हुए हैं दोस्तों ये हैं येलो मैरी गोल्ड के फ्लावर के सीड्स। तो ऐसे दोस्तों आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, जो फूल आपका सूख जाए बस उसको ऊपर से तोड़ तोड़ के रख लेना है। तो आइए मैं अभी आपको बताता हूँ दूसरा स्टेप कि आप मिट्टी कैसे तैयार करेंगे इन दोनों को ग्रो करने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों आप अपने सामने देख पा रहे हैं हमने दोस्तों सीड ड्रिलिंग ट्रे रख रखी है अपने सामने, जिसके अंदर हम लोग इसके बीज ग्रो करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप 3x3 इंच के पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं, जिसके अंदर हमने ये सामने कुछ वेजिटेबल्स के सीड लगा रखे हैं आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपको करना ये है कि मिट्टी आपको कैसे तैयार करनी है, आपको दोस्तों 20% कोकोपीट लेनी है, 20% आपको दोस्तों इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है, और आप एक मुट्ठी इसमें दोस्तों नीम खली भी डाल सकते हैं। आपको इसके अंदर दोस्तों सॉइल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जब हम सीड्स को ग्रो करते हैं तो हम सॉइल का इस्तेमाल नहीं करते। आपको करना क्या दोस्तों, अगर आपके पास दोस्तों सीडलिंग ट्रे है तो आप सीडलिंग ट्रे के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, वरना दोस्तों अगर आपके पास कोई भी स्मॉल ग्रो बैग पड़ रखा है तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, वरना मैंने अभी आपको बता ही दिया है स्मॉल स्मॉल जो प्लास्टिक के पॉट्स हैं 3x3 इंच के, इनमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों जो प्लास्टिक की ट्रे थी वो पड़ी है, तो उसके लिए इसके अंदर हमने सारे होल्स के अंदर इसके दोस्तों जो कि मिक्सचर था सॉइल का वो हमने भर लिया है। तो अब हमें दोस्तों करना क्या है, अगला प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों आपको कैसे ये ग्रो करना है। तो मैंने आपको दोस्तों सॉइल प्रिपरेशन मेथड बता दिया वो कैसे तैयार करनी है, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको सीड्स भी दिखा दिए मैंने, और आपको बता दिया कि आप इसको किसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले किसी भी लकड़ी या किसी भी चीज़ नुकीली चीज़ की मदद से इसके अंदर आपको होल कर लेना है, यानी कि पहले आपको मिट्टी फिल कर लेनी है, फिर मिट्टी के बीच में आपको होल करते चलने हैं दोस्तों सारे होल्स के बीच में, जिससे कि दोस्तों होल्स इसलिए आपको करने हैं कि आप उसके अंदर इजीली सीड्स जो कि डाल पाएँ। तो आपको सीड्स दोस्तों इसी होल के अंदर डालने हैं, ध्यान रखिएगा आपके जो सीड्स है वो इधर से उधर ना डाले, तो इसलिए पहले आपको दोस्तों किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से इसके अंदर होल कर लेने हैं। तो आइए पहले तो हम होल कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों हमने दोस्तों पहले येलो मैरी गोल्ड के दोस्तों सीड्स हैं वो लिए हैं, और इसको दोस्तों हमने ग्रो करना शुरू कर दिया है, यानी कि दोस्तों हमने सब में होल कर लिए हैं दोस्तों। इसके बीच में हमने जो कि सीडलिंग ट्रे थी हमारी, इसके अंदर मिट्टी फिल करने के बाद हमने बीच में होल कर लिए, जैसे कि जो हमारी सीड है वो उसी होल के बीच में जाए, और आपको भी ये ध्यान रखना है। फिर आपको दोस्तों होल के बीच में दोस्तों सीड डालने के बाद उसे ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना, जैसे कि दोस्तों हम कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने सामने देख पा रहे हैं हमने अभी तक कुछ सीड्स बो भी दिए हैं,
ये दोस्तों येलो मैरी गोल्ड है जो आपके सामने अभी हम लोग दोस्तों ग्रो कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। आपको इसी तरीके से दोस्तों आपको भी सीड्स ग्रो करने हैं, तो ये देख सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा दोस्तों, मतलब कि लगाने के बाद। तो जैसा कि दोस्तों आप अपने सामने देख पा रहे हैं, पहले तो हमने इसके अंदर सीड्स डाल लिए और दोस्तों एक होल के अंदर हमने दोस्तों कम से कम 2 से लेकर 3 सीड डाले, जिससे कि दोस्तों ऐसा होता है कि जो सीड्स होते हैं दोस्तों ये हमने जैसे कि आप प्रिजर्व करके रख रखे हैं, तो इसमें हमने अभी कोई भी दवाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, पर जो हम पैकेट से बीज खरीदते हैं उसके अंदर पहले से दवाई वगैरह लग के आती है, तो दोस्तों जो उसकी ग्रो होने के चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर ये हमने ऐसी सेव कर रखे हैं, तो शायद दोस्तों इसमें से कोई ग्रो हो सीड्स या कोई ना ग्रो, इसलिए हमने दोस्तों एक होल में लगभग 3-3 सीड डाली, जिससे कि दोस्तों अगर एक ग्रो ना हो तो दूसरी ग्रो हो जाए, दूसरी ग्रो ना हो तो तीसरी ग्रो, कुछ तो हो जाए। तो इसलिए दोस्तों हमने एक होल में 3-3 दोस्तों जो सीड्स हैं वो डाले हैं। तो आप भी इसी प्रकार से दोस्तों डाल सकते हैं अगर आपके पास सीड ज़्यादा है, वरना दोस्तों अगर आप हाइब्रिड सीड्स ले रहे हैं जो कि दोस्तों आपको नर्सरी से या आपके इजीली जो भी सीड्स की शॉप है वहाँ से मिल जाएगी, तो आप एक एक सीड ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो दोस्तों दवाई से पहले से दोस्तों उनमें लग के आती है, तो इसलिए वो उनके जो जर्मिनेशन चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं इसके अंदर हमने सबके अंदर सीड्स डाल दी, ये देख सकते हैं आप इस तरफ से दोस्तों हमने सीड डाल के इसे कवर भी कर दिया है। इसके अंदर दोस्तों हमने रेड जो मैरी गोल्ड है इस तरफ डाला, और कुछ दोस्तों जो पीले मैरी गोल्ड थे वो इस तरफ लगा रखे हैं, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों करना क्या है, एंड में आपको दोस्तों इसमें जो पानी है वो दोस्तों दे देना, अगर आप अगर सूखा मिक्सचर में अगर ऐसे ग्रो कर रहे हो तो, वरना जैसे कि अभी आप सबने सामने देख पा रहे हो अभी जो हमारा मिक्सचर है वो इस समय उसमें मॉइस्चर है, तो हम दोस्तों इसके अंदर अब पानी नहीं देंगे। आपको दोस्तों पानी दे के अगर आपका सूखा जैसे आपने जो मिक्सचर तैयार किया वो अगर आपका बिल्कुल सूखा हुआ तो आप उसके अंदर पानी दे के उसे सेमी सैड एरिया में या दोस्तों किसी भी चीज़ से कवर करके रख सकते हैं, और दोस्तों फिर आपको एक ही बार दोस्तों अच्छी तरह से पानी दे देना है, और बाकी फिर आपको दोस्तों उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि जो मिट्टी है दोस्तों जो आप सोयल मतलब कि आपने जो मिक्सचर तैयार किया वो कहीं दोस्तों सूख तो नहीं गया, वैसे इतनी जल्दी दोस्तों सूखता नहीं है, पर आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि जो सीड्स हैं वो दोस्तों आपके ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब दोस्तों सीड्स जब ग्रो हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दोस्तों उसको फिर हल्की हल्की धूप में दोस्तों सुबह की रख देना है, जिससे कि दोस्तों सुबह की धूप इन्हें मिल जाए, जिससे कि जो आपका पौधा है वो ज़्यादा ग्रोथ मतलब कि एक संग ज़्यादा बड़ा ना हो, उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाए। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बताया था, और अगर आपको आज की इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा जल्द से जल्द लाइक, और दोस्तों लाइक हम रखते हैं 50 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर देंगे। तो आपसे दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ टाइम बाद दोस्तों आप लोग स्पिनिच और धनिया भी ग्रो करेंगे, पालक और धनिया, तो उसकी वीडियो भी जल्दी दोस्तों चैनल पर आएगी। काफ़ी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि पालक और धनिया कैसे उगाएं, तो वो भी मैं डालूंगा। और जैसे कि अभी आपको पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर के महीने में कौन सी सब्जी और फल लगा सकते हैं आप और कौन से फूलों के पौधे लगा सकते हैं, उसकी वीडियो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको आज अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था, थैंक्स।